हम लोगों का रात में यहीं बैठ के ऐसा बाहर के दूसरे पर्सन आके हेल्प कर दे रहे, हेल्प करके जो भी उन लोग फिड आउट कर रहे। और हम लोग है एक फातिमा बोल के, उन लोग पका के हम लोगों को सहरी का भी दे दे रहे, इफ्तार का भी दे दे रहे, हम लोगों को पका के उन्हें खिला रहे। जी हाँ, यहीं रह रहा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर ही रोज़ा खोले पूरे जने मिलके। अब इतना है कि अब यंग लड़कियाँ हैं जो कॉलेज को जा रहे हैं 10th क्लास में, उन लोगों को एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब नेक्स्ट 10th के एग्ज़ाम्स है। रियासत तेलंगाना एक छोटी सी रियासत है, लेकिन इसका दर्जा दुनिया भर में बड़ा माना जाता है। और रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सेकुलर ज़हनियत और इनकी काविशों ने पूरी रियासत, खासकर दारुलहुकूमत हैदराबाद को एक नया मुकाम अता किया है। इनकी दो आँख हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। वज़ीर आला तेलंगाना की जद्दोजहद की वजह से आज कोई गरीब बेघर नहीं रह रहा है। हुकूमत की जानिब से कई ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं नहीं मिलती। लेकिन KCR की हुकूमत में इन्हीं के दारुलहुकूमत शहर हैदराबाद में कई एक मुस्लिम ख़ानदान बेघर हो चुके हैं और इस माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक में रोज़ा इफ्तार और सहरी सड़क पर करने पर मजबूर हो गए हैं। करीब 35 ख़ानदान हैं जिनके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे, बिन बिहाई लड़कियां, बूढ़े अफराद सड़क पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ शहर हैदराबाद में अफ्रीकन कैवलरी यानी AC गार्ड के 35 ख़ानदान, जो इनके दादा परदादा के ज़माने से शहर में मुकीम हैं और इनके आबा व अजदाद निज़ाम की खिदमत करते आ रहे हैं, इनकी ज़मीन जायदाद से इन्हें हटा दिया गया है और इन्हें सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया गया है। गुज़श्ता महीने बल्दिया की जानिब से कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला देते हुए AC गार्ड में मुकीम 35 ख़ानदानों के मकानात मसमार कर दिए गए हैं, इन्हें बेघर कर दिया गया है। आज हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने AC गार्ड पहुँचकर ये बेघर ख़ानदान से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि इन्हें यह ज़मीन 1951 में तोहफे के तौर पर दी गई थी और इनके पास माउन दस्तावेजात भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि परेशानी 1996 में शुरू हुई जब हुकूमत की जानिब से इस ज़मीन को सरकारी ज़मीन कहने लगे, लेकिन ये ख़ानदान अदालत से रुजू और हुकुम इल्तवा हासिल किया। इनके पास इनके घर की बिजली के बिल, पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स के रसीद भी मौजूद हैं। जो अफराद 70 साल से प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते आए हैं, इन्हें टैक्स हासिल करने वाले ही बेघर कर दिए हैं। खैर, इस बेघर अफराद की दर्द भरी दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। क्या नाम आपका? मेरा नाम फातिमा है, फातिमा बी। क्या है आप लोगों का, क्या मसला है? हम लोग नहीं बोले तभी 50-60 साल 70 साल से है यहाँ पर। मैं 5 साल की थी जब से यहीं छू मैं भी। मेरी बाल बाबा गुजर गए यहीं, मेरी दादी गुजर गई यहीं, बच्ची जाके बुढ़ी हो गई मैं, मेरे बच्चे बच्चे वाले हो गए। कौन करे, क्या है ये? यह बस्ती के लोग करे सो है। अब घर चले जाओ बोल के बोल दिए, कहाँ जाना? कहाँ रह रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ ग्राउंड नहीं है, वो हमारे घर तोड़ के ग्राउंड बोल रहे हैं उन लोग। ग्राउंड कैसा होता, घरा है हाँ? नहीं बोले तो 50-60 लोग हैं ग्राउंड में, घर में वो बाड़े में बाड़ा था वो पूरा, ये कोने से लेके वो कोने तक बाड़ा है। किराया देते थे आप लोग? नहीं देते थे किराया। घर के पेपर हमारे भाई भांजियों का नहीं है पेपर है घरों के? रोड पे ही कर रहे, देखो वहाँ देखो चूल्हा है वहाँ पर कर ले रही। बस्ती के लोग करे सो है, तोड़ा ही कौन? गवर्नमेंट GHMC वाले तोड़े, GMC वाले चाह गए डायरेक्ट। 13 के दिन बुलाए, 14 के दिन सुबह 6 बजे आए, लाइटा काट दिए, सब अंधेरा कर दिए, सामान पूरा 3-3 हो गया हमारा, दुनिया का कपड़ा नुकसान हो गया, सामान बर्बाद हो गया हमारा, हर चीज़ सब ये हो गए। अब यहाँ से भी पुलिस वालों को डंडे दे के मारते बोल के बोल रहे, पुलिस वालों को बुला के डंडों से मार खिला के यहाँ से भी हकालते बोले, तब जाना तो कहाँ जाना, हमारे को कुछ करके हटाए तो अच्छा था उन लोग। मेरा नाम फौजिया सुल्ताना है जी, क्या मसला है जी? हम लोग 1951 में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे नाना को एक सर्विसमैन थे, मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री में उनको हैंडीकैप हो गए थे, तो उनको एक सर्विसमैन है बोल के उनको ये ज़मीन अलॉटमेंट करे थे। 1951 में अलॉटमेंट हुआ था, 81 में रजिस्टर्ड हुआ था।
अनएक्सपेक्टेड प्ली 1996 में ऐसे तोड़ दिए थे, मगर केस चला, स्टे ऑर्डर मिला, हम लोग 2012 में केस जीत लिए थे। अब हमारे उतने एक्सपेंसेस नहीं थे, हम घर नहीं बना सकते थे, बल्कि हम लोग उस टाइम पे भी हम लोग नहीं बनाए, वैसे ही रह रहे थे। अभी रिसेंटली पता नहीं कौसे लीडर्स है, क्या है, अननोन पर्सन से, हम लोग को तो नहीं मालूम है कि उन लोग आके इलीगल रह रहे एक 10-12 ईयर्स से बोल के तोड़ दिए। सिर्फ 13 के दिन गवर्नमेंट के GHM ऑफिस में बुला के बात करें, सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 3, 3:30, 4, 5 बजे तक बात करें, शाम का एक दिन का टाइम है आप करने, रात में नेक्स्ट डे आप खाली कर देना, तो हम लोग कैसा करना सर? हमारे को थोड़े यहाँ टोटल 7 मेंबर्स का प्लॉट है, मगर उसमें पूरों के किड्स फैमिलीज है, मीन्स जैसा उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस है, ग्रैंड चिल्ड्रंस के चिल्ड्रंस भी है, ऐसा है। जी हाँ, हमारे कने है सो अलॉटमेंट पेपर, अभी ये परसों गिर गया, उसमें से अलॉटमेंट पेपर हमारा मिस है। और क्या बोलते सो, हमारे को जो लैंड दिए ना वो लैंड का है, मैप है हमारे पास, लास्ट हम लोग टैक्स भरे सो है, लाइट की बिल है, नल की बिल है, जितना भी हमारा है, जी हाँ पूरा मिलके गते। अभी बहुत सारे लोग थे, मगर कौन कौन थे नहीं मालूम, MLA भी थे गते, और GHM की थे, और MRO थे, और अदर 2-3 गवर्नमेंट के पीपल्स थे, और पूरी फोर्स थी। हम लोग का ऐसा मूवमेंट करने भी नहीं दिए कि हम लोग जाके हम कुछ, हम लोग सिर्फ एक 4 आवर्स या 8 आवर्स का टाइम दीजिए, हम हमारे एडवोकेट को बोल के हम लोग कुछ तो भी स्टे ऑर्डर का भी करते, हम लोग बोले थे हमारे को टाइम नहीं दिए। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट कर दिए पूरा ब्रेक करने का, हम लोगों को संभलने का भी मौका नहीं दिए, कुछ करने का भी मौका नहीं दिए। अब हम लोग पूरे एक सर्विस फैमिली मेम्बर्स के किड्स है, ग्रैंड एंड ग्रैंड किड्स है, आई थिंक सो 6 generation। हमारा पूरा यहाँ का ही है ID प्रूफ, हमारा आधार कार्ड यहाँ का ही है, हम अलॉटमेंट पेपर भी है। जी हाँ, पेंशन का है, अभी इधर किधर मिस हो गया कि नहीं, मतलब हमारी नानी को पेंशन आती थी, एक सर्विसमैन वाइफ थी बोल के पेंशन, हाउस नंबर भी है, विच है एक फातिमा बोल के, उन्हों पका के हम लोगों को सहरी का भी दे दे रहे, इफ्तार का भी दे दे रहे, हम लोगों को पका के उन्होंने खिला रहे। जी हाँ यहीं रह रहा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर ही रोज़ा खोले पूरे जने मिलके। अब इतना है कि अब यंग लड़कियाँ हैं जो कॉलेज को जा रहे 10th class में, उन लोगों को एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब नेक्स्ट 10th के एग्जाम से, अब दूसरे है रिलेटिव, उनके बच्चे हैं सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मेरी बच्ची खुद की है सो डिग्री फर्स्ट ईयर में, एग्जाम्स एजुकेशन के लिए स्टडीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रहा बोल के एक हाउस हम लोग किराए का पूरे मेंबर्स मिल के लेके थोड़ा बहुत बच्चों का सामान स्टडीज़ के बुक्स रख दे के वहाँ पर यंग लड़कियाँ पूरे वहाँ पर रह रहे। कुछ भी हेल्प नहीं है हमारे को, कुछ भी नहीं, कोई कुछ आए नहीं, बोले नहीं। Thank you.